से बिकॉज डिफरेंट मुल्कों से लोग हमें ज्वाइन करते हैं, इस वजह से आपको वहाँ डॉलर्स में फी दिखेगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज, दैट्स नॉट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बट दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कोर्स के हवाले से, किस कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ठीक है. ऑल्सो यू सी आर टेस्टिमोनियल्स, ठीक है. इसके अलावा यू सी दैट वी आर सर्टिफाइड फ्रॉम FDR. So there's so much you can go and check out on the website as well as our Facebook group. Facebook group hamara jo hai wo it's a closed group, theek hai, private group hai, but jab aap join kar lenge DEC ko tab aapko mil jayega iska access, taaki aap humse baat kar saken, koi job opportunities wagera aati hain wo le saken, free seminars, webinars wagera hote hain, free classes hoti hain, theek hai, wo sari aapko yahan pe milengi is group ke andar. Okay, so without any more delay, हम start करते हैं हमारा topic of the day, content writing. Content writing क्या है? किसी ने पहले कोशिश की है कुछ लिखने की? Yes or no? Please do let me know in the comment section below. ठीक है? Content writing क्या है? दरअसल कुछ भी जो कि digital platform के ऊपर जाता है, हम उसको content writing जो है consider करते हैं. ज़रूरी नहीं इसके अंदर के जो है ये सिर्फ ब्लॉग्स या आर्टिकल्स ही लिखे, ठीक है. वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इतने बड़े पीस ऑफ कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है. सो हर चीज़ की शुरुआत जो है स्मॉलर उससे होती है, किसी बेसिक चीज़ से जो आप फंडामेंटल्स सीख लेते हैं, फिर आप जो है देन यू जंप ऑन टू बिगर प्रोजेक्ट्स एंड बिगर थिंग्स, ठीक है. सो जो हमारा कंटेंट राइटिंग लेवल 1 है उसके अंदर आपको यही सारे बेसिक्स सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से आप वो फाउंडेशन सेट कर सकें जिसके थ्रू आप आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकें, एक प्रोफेशनल राइटर की तरह काम कर सकें. उसके बाद आपको किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट मिल जाए, किसी भी किस्म की राइटिंग का मिल जाए, वो सब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है. सो कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट मेथड ऑफ राइटिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है. इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन, सबसे पहले आप जॉब के लिए भी जाएंगे या किसी और के लिए भी लिखेंगे, उससे पहले आपको अपने बारे में बताना आना चाहिए और आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए प्रोफेशनली, ठीक है. फॉर दैट रीजन इज सुपर इम्पोर्टेंट दैट आप अपने रेसिपी कैसे तैयार कर सकें, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर सकें सामने वाले को, ताकि वह पहचान सकें या जान सकें दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब. इसके अलावा उनसे आप किस तरीके से बिजनेस लेवल के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स यू नो कुछ भी क्या जबानी कलामी यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग नहीं होता जब वर्क प्लेस की बात हो, ठीक है. सब कुछ रिटन फॉर्मेट में होता है, जो ईमेल्स और ईमेल्स बहुत प्रोफेशनली लिखनी चाहिए. वो सारी कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल्स के डिफरेंट जो है रूल्स होते हैं, उनके डिफरेंट जो है इंटरनेशनल तरीके से जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने एक प्रोफेशनल की तरह काम किया है और आप केपेबल हैं प्रोफेशनली काम करने के. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सोशल मीडिया के लिए किस तरीके से राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है. सो यू विल लर्न सो मच मोर इस कोर्स के अंदर. More details you'll find on the website again if you want to read through all the details. ठीक है, क्लासेस लाइव होंगी जिस तरीके से मैं अभी आप सबके साथ बात कर रही हूँ. कोई सवाल है आपका, अगेन आई एम सेइंग आप उसे पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है. सो इसी तरीके से लाइव हम आएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हर चीज़ की, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसे सवाल ना रह जाए जो कि आपको आगे चल के मुश्किल सवाल बने, ठीक है. सो हम यहाँ पे हर चीज़ लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको असाइनमेंट्स भी दूंगी. कुछ भी खाली थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बिकॉज जब आप रियल वर्ल्ड में काम करने जाते हैं तो खाली थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम काम नहीं कर सकते. आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ताकि आप फील्ड में कदम रख के एक्चुअली अपने करियर को स्टार्ट कर सकें और किसी अच्छे कंपनी के लिए, किसी एजेंसी के लिए, किसी ब्रांड के लिए प्रॉपरली काम कर सकें, ठीक है. क्योंकि ब्रांड के लिए काम करना इज़ नॉट एज ईजी एज आपने पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया. उसके पीछे बैकहैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है. क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, यहाँ पर. और आप आराम से अपने करियर को स्टार्ट कर सकेंगे.
इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता लें, पूछ लें भी, ठीक है। इसके अलावा मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर स्विच करूंगी, विच इज एसईओ राइटिंग। एक और कोर्स है हमारा जो कि एसईओ राइटिंग है, विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर दोज हु डोंट नो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तुमको ये बताते चलूँ कि सर्च इंजन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे याहू है, बिंग है, गूगल है, बट ऑफकोर्स गूगल इज द बिगेस्ट वन। हर कोई जो है वहाँ पे अपने कंटेंट डालता है, चाहे वो उसकी वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, या फिर ई कॉमर्स साइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, कुछ भी है, ठीक है। लोग चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट के अंदर जब कोई भी फना फना चीज़ या कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूज जो सर्च करे उससे रिलेटेड अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ही की वेबसाइट टॉप पे अपीयर हो। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, आप लोगों ने भी कभी पेज नंबर 5 में क्या है, आगे जो है गूगल के पेज 5 पे, पेज 10 पे क्या है, कौन सी वेबसाइट है, कभी कोई नहीं खोल के देखता। बिकॉज दैट्स द ट्रस्ट जो कि गूगल ने बिल्ड किया है। वी ट्रस्ट गूगल सो मच सो कि हम नहीं इतना आगे जाके देखते कि उन पेजेस में क्या है। हम पेज फर्स्ट पेज के ऊपर जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, वी बिलीव दैट दे आर द मोस्ट रेलेवेंट वंस एंड वी स्टिक टू देम, ठीक है। सो इस वजह से अगर आप भी फर्स्ट पेज पे रैंक करते हैं या फिर क्लाइंट फर्स्ट पेज पे रैंक करता है, दैट मीन्स गूगल इज एक्चुअली गिविंग देयर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू, saying कि yes आप ही सबसे ज़्यादा relevant और सबसे ज़्यादा best website है related to certain research or sorry certain search term, सही। so वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए of course Google पे rank करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ Google के rules हमको follow करने पड़ेगा। कुछ लोग इससे भागते हैं, समझते हैं कि थोड़ा सा technical है, it is little bit technical, मगर वही बात है, हर चीज़ को एकदम सब कुछ नहीं आ जाता, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। पूरी कहने के प्रोसेस है, ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आपका काम आराम से ऑर्गेनिकली बगैर पैसे दिए हुए गूगल को आराम से रैंक हो सकता है, ठीक है। अगर आपने पेड भी सीखनी है, वी डू टीच पेड इन डिजिटल मार्केटिंग लेवल थ्रू, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑर्गेनिकली जो है ऑप्टिमाइज किया जाता है वो बताऊंगी, सही। रैंक करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ब्लॉग्स या आर्टिकल्स हो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आपका काम जाता है। बिकॉज फेसबुक से के सर्चेज आते हैं गूगल में, यूट्यूब के सर्चेज आते हैं, इंस्टाग्राम के सर्चेज आते हैं, ठीक है। सो इट डजंट मैटर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका कंटेंट जा रहा है, हर कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस ऑप्टिमाइजेशन के बगैर आपका काम किसी को वाजे होगा ही नहीं, किसी को नज़र आएगा ही नहीं। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अगर एक चीज़ शॉप के अंदर आपने रखी ही नहीं है, वेयर हाउस में कहीं पड़ी है पीछे, तो कस्टमर को नहीं दिख रही, वो बाय नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। कस्टमर को तो नहीं पता आपके पीछे स्टॉक में क्या क्या पड़ा है। अगर आप जब तक सामने शेल्फ में नहीं लगाएंगे, कोई नहीं उस चीज़ को ना देखेगा ना बाय करेगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। चाहे आपका यूट्यूब का कंटेंट है, चाहे आपका फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है, टिकटॉक का है, यू नेम इट, ठीक है, या कोई वेबसाइट पे जा रहा है, कोई भी कंटेंट है, उसको ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए हमें उसकी एसईओ करना जरूरी है। एंड दिस स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू टीच यू विद इन दिस कोर्स इज गोना वर्क फॉर ऑल दोस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। हर किस्म के कॉन्टेंट की जो रिटन कंटेंट है उसी के इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होती है। रिटन कंटेंट से मुराद ये नहीं है कि अब यूट्यूब में तो वीडियो कंटेंट है तो अब हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। यस, उसके नीचे जो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है और उसी के थ्रू आपका कंटेंट रैंक होता है। उसकी हेडिंग्स किस तरह चूज करें, किस तरीके से उनको ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि लोग जब कुछ ढूंढना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट फॉर एक्ने स्किन और समथिंग आदा, और कोई ये चीज़ लिखे तो फौरन से अगर आपकी वीडियो है इससे रिलेटेड तो आपकी की नज़र आए उन्हें, सही। सो इट वर्क्स थ्रू एवरी प्लेटफॉर्म, डजंट मैटर किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका काम जा रहा है और किस हिसाब का या किस फॉर्मेट का आपका कॉन्टेंट है, डजंट रियली मैटर दैट मच, सही। दूसरी साइड देखी जाए तो आ जाती है एसईओ, जो कि बहुत से लोग पाकिस्तान में सिखा रहे हैं, विच इज वेबसाइट की एसईओ। जो लोग पाकिस्तान में एसईओ सिखा रहे हैं उनको एक बात ये बता दूँ कि यू नो दिस इज
आई मीन इट इज इम्पॉर्टेंट बट 20% इम्पॉर्टेंट. जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्टेंट इटसेल्फ है. वाई? बिकॉज गूगल खुद कहता है कि कॉन्टेंट उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. गुड क्वालिटी वैल्यूबल कॉन्टेंट इज सुपर इम्पॉर्टेंट. गूगल उसी चीज को आगे प्रेफर करता है, प्रमोट करता है जो कि उसके ऑडियंस को अच्छी चीज या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो. बिकॉज गूगल इज सो बिग एंड ट्रस्टवर्दी फॉर इट्स क्वालिटी. ठीक है, इसके ऊपर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. बहुत सी लो क्वालिटी वेबसाइट्स भी रैंक करती हैं बहुत आराम से. आई मीन लो अथॉरिटी वेबसाइट्स भी आराम से रैंक करती हैं क्योंकि उनका कॉन्टेंट रैंक हो रहा होता है. सो इट डजंट मैटर एज मच कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा रैंक हो रही है, हाई अथॉरिटी है कि नहीं. योर कॉन्टेंट कैन स्टिल रैंक एट द टॉप. कॉन्टेंट सॉरी जो वेबसाइट की एसईओ है उसके ट्रस्ट को बिल्ड करते करते जो है सालों भी लग जाते हैं. इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. Of course, not impossible. But at the same, on the other hand, you could say content को optimize कर लिया, then quickly, straight away, when the next time the crawler crawls your website, crawls your page and content, आपको immediately वो ranking का factor मिल जाता है. So it's quick and easy and it generates money faster as compared to our website के पीछे पड़े रहे और सालों के पीछे लगा रहे and you're not getting results. ठीक है, बट दोनों चीजें दे बोथ गो हैंड इन हैंड. सो हम दोनों चीजों को स्टडी करेंगे विद इन दिस कोर्स ताकि कोई भी ऐसा कॉर्नर ना रहे जो कि हमने टच ना किया. वी कैन जस्ट कवर एवरी सिंगल थिंग. यह फॉर सम ऑफ द एग्जांपल्स लेट मी क्विकली गो एंड ग्रैब सम ऑफ इट जस्ट फॉर मी. Hold on a minute, please. Let me quickly grab some of the content. Okay, already ranked hua hai on Google. Some of it is still on my phone, so I do apologize for that. I've not had enough time to pull it out from my phone. Let me just quickly share that with you guys. That's there. We're on a number 3 on Google. Okay, here we are on number 3 again. And here we are on number 1. So yes, different page, first page ke upar at least 10 content aate hain. So if you are in top 10, that is a huge, huge achievement. Okay, so as long as you're appearing in top 10, you are considered as ranking, you are considered as being on number 1. So yahi cheez hai ki aap kis tarike se aapke content ko bhi rank kar sakte hain aur bahut easily kar sakte hain. Theek hai, koi aisa koi aapko problem nahi aayegi if you follow my strategy throughout. It's simple, easy to follow step by step strategy, which of course I'll walk you through it. आपको हर चीज बताऊंगी, आपके questions answer करूंगी. So अगर कोई question अभी है तो आप पूछ लें. जिनको अभी तक समझ नहीं आया उनके लिए I've got an amazing, easy to understand example as well. इससे पहले किसी का कोई questions? No? Okay. So the example was to tell you the difference between वेबसाइट की एसईओ के ऊपर ही क्यों पाकिस्तान में सब पीछे भाग रहे हैं जबकि यहाँ यूके में हम लोग कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. हमारा फोकस होता है हमारा कंटेंट गुड वैल्यू हो. व्हाई? बिकॉज गूगल भी यही कर रहा है. अब गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? एग्जाम्पल लें, एक रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा फाइव स्टार रेस्टोरेंट कुछ भी कह लें, ठीक है. आप उधर जा रहे हैं एक आम सा चिकन कढ़ाई खाने, मगर वो बहुत ही महंगा है. कोई 10,000 की एक चिकन कढ़ाई आपने ली है उसमें ज्यादा, और आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है, आप दोबारा नहीं जाएंगे. ऑन दी अदर हैंड आप किसी छोटे होटल ढाबे वगैरह से अगर आप खा रहे हैं कोई 3,000 की भी कढ़ाई और आपको बहुत अच्छी लग रही है, गो अगेन एंड अगेन. व्हाई? बिकॉज लोगों के लिए वो कंटेंट जो कि कढ़ाई था वो ज्यादा मैटर करता है कि वो कितना अच्छा है, कितना गुड क्वालिटी है एज कम्पेयर टू दैट रेस्टोरेंट कि वो कितना बड़ा है. क्योंकि आपने या ऑडियंस को उस रेस्टोरेंट को कंज्यूम नहीं करना था, दे कंज्यूम द कॉन्टेंट इट सेल्फ. ठीक है, ओके. एमबीआर एचआर, मेक श्योर इफ यू डू वांट टू टेक एडमिशन यू डू कॉन्टेक्ट अस. आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू पर्सनली, सो
apologies for that. Anybody else, guys, if you got any other questions, अगर कोई बात समझ नहीं आई है, do feel free to ask me. Admissions related कोई भी information चाहिए तो जहाँ से आपको link मिला है, make sure to contact them. I'm sure they'll be super glad to help you out through it. Or any other question, of course, you can ask them as well. Do check out our website if you've got any confusions or anything like that. Till next time, take care of yourselves. Thank you for attending. Allah Hafiz.